दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्टडी एंड ग्रो यूट्यूब परिवार में। इस वीडियो में हम राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड विज्ञान का जो अध्याय 9 है प्रकाश, इसके दूसरे पार्ट की बात करेंगे। भाग 2 है इसका। फर्स्ट भाग में, पार्ट फर्स्ट में हमने, ये इसका भाग 2 है, पार्ट फर्स्ट में हमने क्या बात करी थी? पार्ट फर्स्ट में हमने प्रकाश की विशेषताओं के बारे में बात करी थी। इसकी विशेषताएं क्या है, विशेषताएं, और साथ में हमने बात करी थी प्रकाश के परावर्तन की। परावर्तन की, परावर्तन कितने प्रकार के होते हैं और इसके जो नियम थे उनको भी हमने समझा था। तो ये पार्ट 2 है, इसमें हम बात करेंगे दर्पण की। तो अगर हम दर्पण को देखें तो दर्पण को हम दो भागों में बांटते हैं। पहला है समतल दर्पण और दूसरा है गोलीय दर्पण। समतल दर्पण के नाम से ही समझ में आ रहा है कि इसकी जो सतह होती है वो समतल होती है, एकदम सीधी होगी। जो हम घरों में कांच प्रयोग करते हैं, जो दर्पण प्रयोग करते हैं, वो समतल दर्पण का उदाहरण है। जबकि गोलीय दर्पण का जो परावर्तक तल होता है, जो चिकना सतह होता है जिसमें किसी वस्तु को देखना है, वो मुड़ा हुआ होता है। या तो वो अंदर की तरफ धंसा हुआ होगा या बाहर की तरफ उभरा हुआ होगा। दो स्थिति हो सकती है। एक और बात कि दर्पण के पीछे ये जो लाइनें बनी हुई है, यहाँ पर भी, ये किसको प्रदर्शित करती है? ये प्रदर्शित करती है कि दर्पण के पीछे पॉलिश है, पॉलिश कर रखी है, या तो काले कलर की या भूरे कलर की पॉलिश कर रखी है ताकि उसमें किसी भी वस्तु को आराम से देखा जा सके। तो दर्पण को हमने देखा दो प्रकार से, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। समतल दर्पण जिसका प्रयोग हम घरों में करते हैं, इसका जो परावर्तक पृष्ठ होता है वो समतल होता है। अगर किसी व्यक्ति को देखना है तो इसके सामने खड़ा होता है और इससे प्रकाश के परावर्तन के कारण अपने आप को इसमें देख पाता है। जबकि गोलीय दर्पण की बात करें तो इसको भी हम दो तरह से बांटते हैं। एक तो जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की तरफ उभरा हुआ हो, और जिसका एक दूसरा है जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की तरफ धंसा हुआ हो। उभरा हुआ हो उसको हम बोलते हैं उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण क्या होता है? इनका परावर्तक तल बाहर की ओर उभरा हुआ होता है। जबकि अवतल दर्पण की बात करें तो इनका परावर्तक तल अंदर की ओर दबा हुआ होता है। अब इसको याद कैसे रखें कि उभरा हुआ है, उभरा हुआ मतलब ऊ आ रहा है, ऊ का मतलब उत्तल, इस तरह से इसको याद रखना है। उभरा हुआ है, ऊ आ रहा है, ऊ का मतलब उत्तल, बाकी अंदर धंसा हुआ है वो अवतल। अब इनका प्रयोग क्या है? जैसे गाड़ियों में लगे होते हैं, गाड़ियों के जो पीछे देखने वाले शीशे होते हैं वो उत्तल दर्पण के होते हैं। जो डॉक्टर प्रयोग करते हैं जिन दर्पणों का, वो अवतल दर्पण के बने होते हैं। जो दांत वगैरह देखते हैं, और भी बहुत सारी चीजें होती है, चिकित्सा विभाग में इनका प्रयोग किया जाता है। तो समतल दर्पण की क्रियाविधि समझते हैं। अच्छा, कोई भी एक चीज समझते हैं, सबसे पहले प्रतिबिंब क्या होता है। प्रतिबिंब होता है, अगर हमने अपने आप को कांच में देखा तो कांच में हमारा प्रतिबिंब बनता है। अब प्रतिबिंब को हम विज्ञान में, अगर हमको प्रतिबिंब बनाना है तो वो किस तरह बनाएंगे? कोई भी दो प्रकाश पुंज अपन आपस में टकराएंगे, कोई भी तो प्रकाश पुंज, मान लो यहाँ पे एक स्रोत है जिससे प्रकाश पुंज निकल रहे हैं, एक और प्रकाश पुंज निकला दूसरा, ये दोनों यहाँ पे टकरा गए। तो ये जहाँ पे टकराएंगे, जहाँ पे एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे, एक दूसरे को काटेंगे, वहाँ पे प्रतिबिंब का निर्माण होता है। ये चीज़ ध्यान रखना, प्रतिबिंब का निर्माण कब होगा? जब दो, कोई भी दो प्रकाश पुंज आपस में टकरा जाते हैं। कम से कम दो होने चाहिए, अधिकतम तो बहुत सारे हो सकते हैं। तो समतल दर्पण की कुछ विशेषताओं को देखते हैं। इसकी एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसके सामने अगर कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है, मान लो यहाँ पे कोई खड़ा हुआ है व्यक्ति, तो इसका प्रतिबिंब इसमें बन गया पीछे की साइड, और ये व्यक्ति अपने आप को देख पा रहा है कि मैं इसमें कांच में दिख रहा हूँ। तो इसकी विशेषता इतनी है कि ये व्यक्ति अगर इससे 5 मीटर की दूरी पर खड़ा है तो इसका जो प्रतिबिंब है वह भी 5 मीटर की दूरी पर ही रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि मैं अपने प्रतिबिंब को 10 मीटर की दूरी से देख रहा हूँ। ठीक है, अगर आप अपने आप को कांच में देखते हैं
तो आप कांच से जितनी दूरी पे खड़े हुए हैं उतनी ही दूरी पे आपका प्रतिबिंब उसके अंदर दूरी पे आपको दिखाई देगा। और प्रतिबिंब कैसे बनता है वो हम समझते हैं कि मान लो यहाँ पे कोई वस्तु है, इससे हमने एक प्रकाश की किरण खींची। अब हमने देखा है कि प्रकाश के परावर्तन में जिस कोण पे कोई भी किरण आपतित होती है वो परावर्तक पृष्ठ से टकराकर उसी कोण पे वापस मुड़ जाती है। ठीक है सर, तो ये इस कोण पे वापस मुड़ गई। उसी तरह हमने एक और प्रकाश किरण खींची और ये भी इसकी तरह परावर्तन होके वापस उसी कोण पे मुड़ जाती है। अब इन दोनों प्रकाश किरणों को हम मिलाएं पीछे की साइड, क्योंकि अगर इनको खींचे पीछे सीधा तो कहीं ना कहीं मिलेगी, तो वो जहाँ मिलेगी वहाँ पर इस तरह का प्रतिबिंब बन जाएगा जिस तरह की वस्तु है। क्योंकि हमने अभी बात की थी कि कोई भी दो प्रकाश की रेखाएं अगर एक दूसरे को काटती है वहां पे प्रतिबिंब का निर्माण होता है, तो ये दोनों एक दूसरे को यहाँ पे काटेगी और प्रतिबिंब का निर्माण होगा। किस तरह काटेगी, इसको हमने पीछे बढ़ाया, दूसरी वाली को भी पीछे बढ़ाया, और जहां पे ये काट रही है एक दूसरे को वहां पे प्रतिबिंब का निर्माण होता है। तो ये जो प्रतिबिंब की जो दूरी है दर्पण से, जो प्रतिबिंब की दूरी है वही वस्तु की दूरी होती है, ये दोनों दूरियां समान होती है। अब एक और बात और सीखते हैं यहाँ पे कि ये वस्तु है ये प्रतिबिंब है, इन दोनों का जो ये समतल है इसको प्रतिबिंब दो बराबर भागों में बांटता है। वही बात की हमने कि ये समतल है इसको दो बराबर भागों में दर्पण ने बांटा। कैसे बांटा, क्योंकि ये दोनों दूरियां बराबर है, ये भी 5 मीटर है और ये भी 5 मीटर, जितनी दूरी ये होगी उतनी ही दूरी ये होगी। तो ये सम यानी समान दो बराबर भागों में समद्विभाजित करता है, दर्पण वस्तु और प्रतिबिंब के जो समतल है उसको दो बराबर भागों में बांटता है। तो यही इसकी विशेषता है। पहली विशेषता, वस्तु का बिंब ऐसी स्थिति में या ऐसे आकार का बनता है कि दर्पण का तल वस्तु और बिंब के संगत बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाओं के लंबवत पड़ता है और उन्हें समद्विभाजित करता है। मान लो ये वस्तु है, यहाँ बीच में दर्पण है और यहाँ पे इसका प्रतिबिंब बन गया, तो ये दर्पण क्या है, लंबवत मतलब 90 डिग्री पे लंबवत, और ये इस दूरी को ये दो बराबर भागों में समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित, यही ये कहना चाहता है। दूसरी बात, अगर हम कांच में देखते हैं तो जो मान लो इस हाथ का हमारा ये अंगूठा है, तो इसमें ये अंगूठा थोड़ा अलग दिखाई देगा, अलग मतलब उसकी दिशा अलग दिखाई देगी। हमारा दायां हाथ और जो हमारा प्रतिबिंब बन रहा है उसका दायां हाथ दोनों अलग अलग होगा। तो जैसे इस व्यक्ति का ये इधर का दायां हाथ है तो इसका ये बायां हाथ है, तो इस तरह से हम समझ सकते हैं। तो पर इस स्थिति को हम बोलते हैं पार्श्विक उत्क्रमण, पार्श्विक उत्क्रमण। वो जो हमारे पार्ट होते हैं शरीर के, पार्श्व जो होते हैं, अंग होते हैं, वो बदले हुए नजर आते हैं। अगर मैंने सीधी कंघी कंघी कर रखी है सर में, कंघे से अपने बाल सीधी सीधे बना रखे हैं, तो जो हमारा प्रतिबिंब हमको दिखता है उसने उल्टी कंघी कर रखी है, उसने उल्टी कंघी कर रखी है अपने हिसाब से। अगर अपन देखेंगे तो यार इसने तो उल्टी कंघी कर रखी। उसी तरह हमारा दायां हाथ तो उसका बायां हाथ है, हमारा दायां पैर उसका बायां पैर है, इस तरह से इस चीजों को हम बोलते हैं पार्श्विक उत्क्रमण। ध्यान रखना बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत बार प्रश्न आया हुआ है कि पार्श्विक उत्क्रमण क्या होता है। वस्तु का कोई भाग दर्पण में जितनी दूर आगे स्थित होता है उसका बिंब दर्पण में उतनी ही दूरी पीछे बनता है, इसके फलस्वरूप बिंब के पार्श्व बदले हुए प्रतीत होते हैं, इस क्रिया को पार्श्विक उत्क्रमण कहते हैं। ठीक है, पार्श्व बदले हुए प्रतीत होते हैं तो इस क्रिया को क्या बोलते हैं, पार्श्विक उत्क्रमण। ये तो हमने बात करी ली कि जितनी दूरी पर वस्तु है उतनी दूरी पर बिंब या प्रतिबिंब बनता है और उनके पार्श्व बदले हुए प्रतीत होते हैं, इस क्रिया को पार्श्विक उत्क्रमण कहते हैं। अब हमने बात तो कर ली कि जो समतल दर्पण है उसमें हम देखते हैं तो हमारा प्रतिबिंब बनता है,
हमारा फोटो बनता है, हमारा प्रतिबिंब बनता है। अब वो प्रतिबिंब को भी हम दो तरह से बांट सकते हैं। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, एक तो वास्तविक प्रतिबिंब, एक तो वास्तविक और दूसरा आभासी। वास्तविक प्रतिबिंब ऐसे प्रतिबिंब होते हैं जिनको हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। पर्दे पर, पर्दा कौन सा? सिनेमा घरों वाला पर्दा। जैसे सिनेमा घरों में जो पर्दा होता है उसमें हम पूरी मूवी या पूरी पिक्चर देख लेते हैं, तो उसको हम बोलते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। जबकि आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। ठीक है, वास्तविक को तो हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, जबकि आभासी को हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते, ये ध्यान रखना। अब वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है वो हमेशा उल्टा बनता है। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब उल्टे प्राप्त होते हैं, जबकि आभासी प्रतिबिंब जो है ये सीधे प्राप्त होते हैं। ये तो सीधे प्राप्त होते हैं जबकि ये उल्टे प्राप्त होते हैं। अब यहाँ पे एक प्रश्न आता है कि वास्तविक प्रतिबिंब अगर उल्टे प्राप्त होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब अगर उल्टे प्राप्त हो रहे हैं, तो हमारे सिनेमा हॉल में हमें लोग जो पिक्चर दिखती है वो उल्टी क्यों नहीं दिखती? लोग उसमें उल्टे क्यों नहीं खड़े होते? वो इसलिए नहीं होते क्योंकि वहाँ पे जो सिनेमा हॉल में परावर्तन होता है वो दो बार होता है। एक बार उल्टा प्रतीत होगा, फिर उस उल्टे का भी एक बार फिर से परावर्तन होता है, तो वो उल्टे का उल्टा सीधा हो जाता है। दो बार वहाँ पर परावर्तन का नियम लागू होता है, इसलिए हमको वो सीधे दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, तो वास्तविक प्रतिबिंब कौन से होते हैं? जो पर्दे पर प्राप्त किए जा सकते हैं और वो वास्तविक प्रतिबिंब कहलाते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब सामान्यतः अवतल दर्पण और उत्तल लेंस द्वारा बनाए जाते हैं। इनकी चर्चा हम बाद में करेंगे, अभी ध्यान रख लो कि किस किस के द्वारा? अवतल दर्पण और उत्तल लेंस, और ये प्रतिबिंब उल्टे प्राप्त होते हैं। आभासी क्या होते हैं? जो पर्दे पर प्राप्त नहीं किए जा सकते उनको आभासी कहते हैं, और आभासी के लिए हम अवतल लेंस और उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं और समतल दर्पण का भी। जो घरों में समतल दर्पण होता है वो भी क्या होता है, उसमें भी हमको जो हमारा फोटो दिखाई देता है वो भी क्या है, एक आभासी प्रतिबिंब का उदाहरण है। ठीक है, और ये प्रतिबिंब सीधे होते हैं। हमने देखा है कि जब अपने आप को हम देखते हैं कांच में, तो जो सामने हमको दिख रहा है जो दर्पण में, वो उल्टा नहीं होता, वो सीधा होता है। तो आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधे होते हैं, वो वास्तविक नहीं होते, वो आभासी होते हैं, याद रखना। वास्तविक तो पर्दे पर प्राप्त किए जाते हैं, जबकि आभासी पर्दे पर प्राप्त नहीं किए जा सकते। एक और मैं इसका उदाहरण देना चाहूंगा कि जो भी प्रतिबिंब बनेगा अगर वो कांच के पीछे है, ये पॉलिश सतह के पीछे बना, तो वो होगा आभासी, और इसके इधर ही बन गया तो वो होगा वास्तविक। ये बस अभी जानकारी के लिए ध्यान में रख लो, क्योंकि जब हम लेंस और दर्पण से उनके प्रतिबिंब बनाएंगे तो ये चीज़ काम आएगी कि अगर दर्पण और लेंस के इधर ही बन गया तो वास्तविक। ठीक है, दर्पण की बात कर रहे हैं अभी, दर्पण के आगे बन गया तो वास्तविक और दर्पण के पीछे बना तो आभासी। ठीक है, और अगर दूसरे शब्दों में देखें तो पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है वास्तविक है, पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता आभासी है। वास्तविक है तो क्या होगा, उल्टा होगा, और आभासी है तो सीधा बनेगा। उल्टा होगा तो सिनेमा घरों में हमको क्यों उल्टा क्यों नहीं दिखाई देता? क्योंकि उसका दो बार परावर्तन होता है। वहां से जैसे मान लो यहाँ पे पर्दा लगा है सिनेमा घर का, और ऊपर से यहाँ बॉक्स में से किरणें आके इसके ऊपर पड़ती है और यहाँ पे हमको पूरी पिक्चर दिखाई देती है। ठीक है, तो इस बॉक्स में एक बार परावर्तन हो जाता है, उसके बाद दूसरी बार किरणें इसके ऊपर आके गिरती है, तो उल्टे का उल्टा हमें सीधा दिखाई पड़ता है। अब यहाँ पे एक उदाहरण लेते हैं, ये समतल दर्पण है, समतल दर्पण, समतल दर्पण। यहाँ पे एक वस्तु रखी हुई है और ये इसका प्रतिबिंब बना हुआ है। मेरा प्रश्न ये है कि प्रतिबिंब की समतल दर्पण से दूरी है 2 मीटर, 2 मीटर, 2 एम।
तो वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की दूरी कितनी होगी? ये वस्तु और ये प्रतिबिंब के बीच की दूरी कितनी होगी? तो इसका सीधा सा जवाब है कि भाई 4 मीटर होगी। क्यों होगी 4 मीटर? क्योंकि हमें पता है कि समतल दर्पण की एक विशेषता है कि इससे वस्तु जितनी दूरी पर होती है उतनी ही दूरी पर इसका प्रतिबिंब बनता है, और प्रतिबिंब 2 मीटर की दूरी पर बन रहा है तो वस्तु भी 2 मीटर की दूरी पर होगी। तो 2 और 2 कितना हो गया? कुल मिला के 4 मीटर। तो वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की दूरी कितनी होगी? 4 मीटर। इस तरह से इसको हम समझ सकते हैं। अब हमने समतल दर्पण की सारी विशेषताएं समझ ली कि समतल दर्पण क्या करता है, जो वस्तु और प्रतिबिंब, ये समतल दर्पण है, दोबारा समझा देता हूं। यहां पे वस्तु रखी है, यहां पे प्रतिबिंब है बना इसका। तो समतल दर्पण लंबवत होता है और वस्तु और प्रतिबिंब के बीच के जो समतल है इसको 2 बराबर भागों में बांटता है, मतलब ये दोनों दूरियां बराबर होती है। और दूसरी बात कि पार्श्व उत्क्रमण होता है, उसमें बदले हुए पार्श्व दिखते हैं और पार्श्विक उत्क्रमण उसको बोलते हैं। हमारा जो दाया हाथ है वो उसका बायां हाथ होता है, इस तरह से उसको हम बोलते हैं कि पार्श्व बदले हुए हैं तो उसको हम पार्श्विक उत्क्रमण नाम देते हैं। अब बात करते हैं गोलीय दर्पण की। गोलीय दर्पण की हमने बात की थी उत्तल और अवतल। उत्तल में ऊ आ रहा है मतलब उभरा हुआ सतह, तो परावर्तक तल जिसका बाहर की ओर उभरा हुआ रहता है वो उत्तल दर्पण है। ये कौन सा है? उत्तल दर्पण। और इसकी तरफ अंदर परावर्तक तल धंसा हुआ है, तो ये किसका उदाहरण है? अवतल दर्पण का। ठीक है, अब ये जो दर्पण है जिनको हमने गोलीय दर्पण बोला, उत्तल या अवतल बोला, इनको हम बनाते कैसे हैं, ये आते कहां से हैं? तो इनको बनाने का या जो तरीका होता है वो क्या है वो समझते हैं। इसको ऐसे समझते हैं कि एक कांच की गेंद है, उस कांच की गेंद का हमने इतना सा भाग काट लिया, ये वाला भाग काट लिया, और इसके पीछे कर दी पॉलिश। तो इसको जब निकालेंगे तो ये इस तरह का दिखेगा, मतलब इसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की तरफ धंसा हुआ है। तो ये किसका उदाहरण हो गया? अवतल दर्पण का। अवतल दर्पण, ठीक है। उसी तरह कांच की गेंद ली, उसको यहां से यहां तक वाला भाग काट लिया, पीछे पॉलिश कर दी, तो ये किस तरह का बना? ये और पीछे पॉलिश, और इसका ये भाग क्या है? उभरा हुआ है। तो ये किसका उदाहरण हो गया? उत्तल दर्पण का, क्योंकि उभरा हुआ भाग है बाहर की तरफ, तो उत्तल दर्पण का ये उदाहरण हो गया। तो इस तरह से दर्पणों को बनाया जाता है। तो ये तो हमको समझ में आ गया कि बड़ी सी कांच की गेंद से हम दर्पण काट सकते हैं। अब इसको समझते हैं कि और क्या चीजें हैं इसमें। जैसे कांच की गेंद है, ये पूरा कांच का गेंद है, इसमें यहां से यहां तक के भाग को पीछे से काट के पॉलिश कर दिया गया, तो ये किसका उदाहरण हो गया? क्योंकि परावर्तक पृष्ठ अंदर धंसा हुआ है तो अवतल दर्पण है। उसी तरह इस वाले में देखो, परावर्तक पृष्ठ बाहर की तरफ उभरा हुआ है तो ये उत्तल दर्पण है। अब ये दर्पण तो बन गया, अब इस दर्पण की और क्या क्या विशेषता है वो हम समझते हैं। इस दर्पण के मध्य में एक लाइन खींच देते हैं, बिल्कुल बिल्कुल मध्य में, जो इस गेंद के, जो ये गेंद है, ये कांच की गेंद है, कांच की बॉल है, इसके केंद्र से होके गुजरती है। ऐसी लाइन जो इसके केंद्र से होके गुजरेगी और दर्पण को पी बिंदु पर काटेगी, तो इस पी बिंदु को बोलते हैं ध्रुव, और उस दर्पण के केंद्र को या फिर वो गेंद के केंद्र को बोलते हैं वक्रता केंद्र, और वो जो रेखा है उसको हम बोलते हैं मुख्य अक्ष। समझ में आया? इसको मैं अलग समझा देता हूं। यहां पे ये दर्पण है, दर्पण पे एक लाइन खींच दी मध्य में, तो ये है मुख्य अक्ष, इस लाइन को बोलते हैं मुख्य अक्ष, और ये जिस बिंदु पर काटता है उसको हम बोलते हैं ध्रुव, और ये बिंदु सी या फिर जो गेंद थी जिसका केंद्र बिंदु था सी, वहां से होकर गुजरती है, जिसको हम बोलते हैं वक्रता केंद्र। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, ये दर्पण, ये मुख्य अक्ष, और मुख्य अक्ष जिस बिंदु पर काटता है उसको हम ध्रुव नाम देते हैं, और
जिस जो बोल है, जो गेंद थी, उसके केंद्र को हम बोलते हैं वक्रता केंद्र। ठीक है, अब एक और बात, अब वक्रता केंद्र और ध्रुव, इनके जो बीच की दूरी होती है उसको बोलते हैं आर, आर को बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। याद रखना क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या, आर को वक्रता त्रिज्या। हम आपने देखा होगा कि जो गणित में ये जो गोला है उस गोले के त्रिज्या होती है, त्रिज्या क्या होती है गोले की, उसके केंद्र से जो बाहर का गोला ही है उसकी दूरी को त्रिज्या बोलते हैं। तो वो त्रिज्या वही है यहाँ पे, इसके केंद्र से ये बाहर की जो गोला ही है इसके बीच की जो दूरी है ये आर है त्रिज्या, इसको वक्रता त्रिज्या नाम देते हैं। एक और चीज, अब ये वक्रता त्रिज्या है इसको हम आधा कर दें, आधा करते हैं मतलब आर को 2 से भाग कर दें, आर बटे 2, तो वो आ जाता है एफ। एफ को बोलते हैं फोकस दूरी, क्या बोलते हैं, फोकस दूरी। तो ये सारी चीजें हैं, जैसे आर को 2 से भाग कर दे तो एफ नाम देते हैं जिसको हम बोलते हैं फोकस दूरी। जैसे ये पूरी वक्रता त्रिज्या है इसका आधा कितना हो जाएगा, थोड़ा सा इसका आधा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा फोकस दूरी। दोनों दर्पण में ऐसा ही है, अवतल में भी, अवतल में हमने बात करी ली, उत्तल में भी देखेंगे। तो ये जो लाइन खींची है ये तो मुख्य अक्ष, केंद्र को वक्रता केंद्र, ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या, और वक्रता त्रिज्या का आधा फोकस दूरी। अब और इन चीजों को अगर मान लो प्रश्न आता है कि मुख्य अक्ष क्या होता है, तो हम क्या लिखेंगे कि दर्पण के मध्य में खींची गई ऐसी रेखा जो वक्रता केंद्र और ध्रुव से होके गुजरती है वो मुख्य अक्ष है। वक्रता केंद्र क्या होता है कि दर्पण किसी न किसी गोलाई वाले कांच की गेंद से काटा गया था, तो उस कांच की गेंद या कांच का जो केंद्र होता है वो वक्रता केंद्र होता है। वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या होती है, और वक्रता त्रिज्या का आधा होता है फोकस दूरी। इस तरह से इन चीजों को समझ सकते हैं। जैसे प्रश्न है कि मुख्य अक्ष क्या होता है, कि दर्पण के ध्रुव वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। हमने देखा ये दर्पण, दर्पण का ध्रुव होता है यहाँ पे, वक्रता केंद्र होता है यहाँ पे, ये लाइन खींची, ये क्या है, मुख्य अक्ष है। वक्रता त्रिज्या क्या होती है, गोलीय दर्पण कांच के जिस गोले का भाग है उसकी त्रिज्या को दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। मान लो ये दर्पण था, ये किसी गोले का भाग था, इसकी जो त्रिज्या थी आर वो वक्रता त्रिज्या थी, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी। उसी तरह वक्रता केंद्र गोलीय दर्पण कांच के जिस खोखले गोले का भाग था उस गोले के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। फोकस या फोकस दूरी, फोकस दूरी को समझते हैं पहले, कि गोलीय दर्पण का ध्रुव और मुंशी बिंदु के बीच की दूरी को। अब ये मुंशी बिंदु क्या है, हमने तो अभी देखा कि जो वक्रता त्रिज्या है उसका आधा कर देते हैं, जैसे ये है वक्रता त्रिज्या आर और यहाँ पे ध्रुव पी, तो ये है वक्रता त्रिज्या और इसका आधा कर देंगे तो ये कहीं आएगा, तो ये फोकस दूरी हो गई। तो ये आधा करने पर ये जो बिंदु मिलता है इसी को बोलते हैं मुंशी बिंदु। मुंशी बिंदु का मतलब है मुंजी, मुंशी नहीं मुंजी, सॉरी मुंजी बिंदु। मुंजी बिंदु क्या है, ऐसा बिंदु जो जो प्रकाश की किरणें हैं वो टकराकर इसी बिंदु से गुजरती है। बाद में हम देखेंगे कि अवतल दर्पण की बात करें तो यहाँ पे सी है, यहाँ पे ध्रुव है पी, और यहाँ पे मुंजी बिंदु आ जाता है एफ। तो यहाँ से जब प्रकाश की किरणें आती है तो वो टकराने के बाद मुंजी बिंदु से होकर ही गुजरती है, तो वो फोकस होता है। ठीक है, तो ये फोकस होता है, और फोकस और ई पी के बीच की दूरी फोकस दूरी होती है जो कि वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। मुख्य फोकस क्या होता है, गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर वास्तविक में मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है वह बिंदु दर्पण का मुख्य फोकस होता है। हमने बात की अभी कि ये तो मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के समांतर कोई भी रेखा आएगी तो टकराने के बाद जिस बिंदु से पास करेगी एफ, जिसको मुंदी बिंदु कहा, वही क्या होता है, मुख्य फोकस भी होता है। जो मुंजी बिंदु है वही मुख्य फोकस है। तो ये सारी चीज़ें समझने लायक थी।
पूरी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। सबसे पहले गोला, उस गोले से यह इस वाले भाग को मान लो, दोबारा बनाता हूँ इसको, समझना ये गोला है, कांच का खोखला गोला है, गया गेंद है, वहाँ से इस भाग को काट दिया गया। काटने के बाद इस कांच की गेंद का केंद्र और इसका मध्य बिंदु P, जिसको हमने ध्रुव बोला, इन दोनों को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष, ठीक है, और इसको वक्रता केंद्र C को, इसके बीच और ध्रुव ध्रुव के बीच की दूरी को R, वक्रता त्रिज्या, इसका आधा F, ये फोकस दूरी, कोई भी समांतर रेखा आएगी वो टकराने के बाद फोकस दूरी से, फोकस बिंदु से पास करेगी, मुख्य फोकस जिसको नाम देते हैं। तो बच्चों इस भाग में इतना ही, अगर आपको समझ में आता है तो वीडियो को जरूर लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें।